नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर पठान बनकर धमाल मचा दिया है। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी एक्शन से भरपूर पठान को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम स्टार यह फिल्म अभी तक कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और अभी तक की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनकर सामने आई है। फिल्म 200 करोड़ के क्लब में पहुंच चुकी है। हाल ही में पठान की टीम फिल्म की सफलता के बाद शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मीडिया से रूबरू हुए, जिसमें सिद्धार्थ आनंद ने पठान 2 की घोषणा कर डाली। हाल ही में पठान की टीम ने फिल्म के सुपरहिट होने के बाद मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सिद्धार्थ आनंद ने पठान 2 की घोषणा कर डाली। फिल्म पठान की सफलता और फैंस का उत्साह देखने के बाद निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने शाहरुख के फैंस को नया तोहफा दे दिया और पठान 2 का वादा कर डाला। इसी के साथ पठान ने KGF 2 और बाहुबली 2 को पछाड़ते हुए तेजी से 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने का रिकॉर्ड भी कायम कर लिया है। वहीं अब फिल्म की कमाई के 5वें दिन के कमाई के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। पठान फिल्म भारत में ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है। आपको बता दें कि फिल्म पठान 25 जनवरी को 100 देशों में 8000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। पठान का जलवा 5वें दिन भी कायम है। फिल्म ने 5 दिनों में 500 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। वहीं रविवार को फिल्म ने 58.50 करोड़ का बिजनेस किया है। इसी तरह के बॉलीवुड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।